दोस्तों अभी अभी नेपाल में 6.2 मैग्नीट्यूड के भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। साल 2015 में 7.8 मैग्नीट्यूड के भूकंप के बाद नेपाल में आने वाला यह सबसे बड़ा भूकंप माना जा रहा है। साल 2015 में आए भूकंप में लगभग 9000 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी और 22000 से अधिक लोग घायल हो गए थे। 8 लाख से अधिक मकानों को नुकसान हुआ था। हालांकि आज आने वाले इस भूकंप से होने वाले नुकसान के आंकड़े तो अभी नहीं आए हैं, लेकिन भूकंप इतना शक्तिशाली था कि इसके झटके उत्तराखंड, हिमाचल सहित दिल्ली NCR तक महसूस किए गए। हम तो ईश्वर से बस यही प्रार्थना कर सकते हैं कि सभी लोग सुरक्षित हों और जान माल का कम से कम नुकसान हुआ हो। हम वीडियो को लाइक करने तो नहीं कहेंगे, क्योंकि यह घटना कोई लाइक करने वाली तो नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने किसी अपने को खोया है उन्हें सांत्वना देने के लिए कमेंट बॉक्स में ईश्वर से प्रार्थना जरूर कीजिएगा।